हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी 8:20 हो रहे हैं, तो अभी तक मतलब सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है। मम्मी ने नहीं कर रखा होगा ना? हाँ, मम्मी जी लेट करते हैं तो उन्होंने अभी नाश्ता नहीं करा होगा। बाकी और सभी लोगों ने कर लिया है और मैं और ये बच्चे। तो अब हम लोग करते हैं नाश्ता। ये बना रहे कॉफ़ी। नाश्ते में है आज भिंडी की सब्जी और रोटी। तो पहले नाश्ता करते हैं। तो हम दोनों का नाश्ता रेडी है। अब फटाफट से पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपको अपना सेटअप भी दिखाएंगे और आज से मैं अपने दूसरे चैनल के लिए भी काम करना स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी मैं नाश्ता करके आ गई हूँ अपने कमरे में और मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेटअप। आज से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करी अपने दूसरे चैनल के, जो मेरा स्टिचिंग वाला चैनल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे दूसरे चैनल, जिसका नाम है ड्रेस मी, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल ये है मेरा आज का कुछ सेटअप, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर कुछ सेटअप ऐसा हो रखा है। तो ये रहा मेरा पूरा आज का सेटअप। इस फैब्रिक की आज मैं कटिंग करूँगी प्लस स्टिचिंग, और बाकी इसके कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे रखे हैं और ये हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेटअप तो मेरा पूरा रेडी है, स्टार्ट कर लेती हूँ अपने काम को। आज बहुत दिनों बाद, मतलब मैंने सोचा जल्दी से स्टार्ट करूँगी, लेकिन फिर भी होते 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 थोड़ा बहुत लेट हो गया। आज है 26 तारीख, तो 26 तारीख से ही मैं अपना काम की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो बनाना। मिलती हूँ आपको उसके बाद, जब मैं इसका मतलब ये काम करना बंद करूँगी, फिर मैं खाना बनाएंगी या जो भी होगा। आगे क्या क्या होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। फिलहाल इसकी वीडियो बनाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी 12:30 हो गया है और मेरी कटिंग भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मैंने यहाँ पे सब ऐसे फैला रखा है। अभी फटाफट से इसको अच्छे से रखती हूँ और फिर चलते हैं ऊपर। स्टिचिंग अभी मैंने इसकी स्टार्ट नहीं करी है, तो अब रखते हैं पहले इस सामान को अच्छे से, उसके बाद फिर चलते हैं ऊपर। तो सारी चीज़ें अच्छे से संभाल दी है, अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या क्या चल रहा है। और फिलहाल आजकल उधर साइड को काम भी चल रहा है, जो कि मैंने बताया भी था इससे पहले वाले ब्लॉग में। तो देखते हैं क्या क्या काम हुआ है, वो शायद मैं शाम को दिखाऊंगी। अभी फिलहाल ऊपर वाले कमरे में चलते हैं। चलो, यहाँ बन रही है चटनी, पुदीना और प्याज और क्या है इसमें, वो आम। आम कहाँ से आए? तो लाल। अच्छा, पुदीना, प्याज, आम, हरी मिर्च और लहसुन के पत्ते भी हैं क्या? हाँ हाँ, लहसुन के पत्ते भी हैं। तो मम्मी जी मिक्सी में बना रही है यहाँ पे चटनी, थोड़ी बन गई है और थोड़ी और बन रही है। और बना रहा दाल चावल भी मम्मी जी ने रख दिया है, पक भी गया है। पक भी गया है। मैं जा रही हूँ पापा जी को पानी देने के लिए, पापा जी नीचे खेत में काम कर रहे हैं, तो जाते हैं। तो चलते हैं पापा जी के पास, पापा जी को पानी देने के लिए। क्या बोला आपने? हाँ, वीडियो में बना के लाऊंगी। क्या कर रहे हैं वैसे पापा जी वहाँ? क्या कर रहे हैं, खेत में कुछ लगा रहे हैं? यार मिर्ची लगा लूं। अच्छा, तो चलो देख के आती हूँ, मैं गई नहीं हूँ ऐसे। अच्छा, तो चलो। कल बहुत बारिश थी, आज मस्त हो रखा मौसम। पापा जी, मैं यहाँ कहाँ से आऊँ? पानी लाई आपके लिए? पानी आया था यहाँ से। ले लिया था? अच्छा, नहीं पीना? ठीक है। ये देखो यहाँ पापा जी क्या कर रहे हो आप? खुदाई खेत की। हाँ, पापा यहाँ खुदाई कर रहे हैं। क्या लगाएंगे, मिर्च? अच्छा, तो पापा की यहाँ चल रही है गुड़ाई और यहाँ पे मिर्च लगाएंगे पापा जी शाम को ना। पानी भी नहीं पीना है पापा जी को। जाती हूँ अब, आप खाना खाने आना फिर, ठीक है? ब्रूनो, यहाँ तक पहुँच चुकी है आज की आवाज। अरे कल भी तो यहीं तक थी, आज तो यहाँ लग रही है।
और देखो हमारे भैया भी काम में लगे हैं। कामदार भैया हमारे। तो सबको खाना खिला दिया है और अब लास्ट में आई है हम दोनों की बारी। अपनी स्किल भी दिखाओ। तो अब हम दोनों खा रहे हैं। मम्मी जी ने तो अभी भी नहीं खाया, मम्मी जी लेट खाते हैं। तो दिन का खाना भी खा लिया है और दिन का खाना खा के बर्तन भी वहाँ पे रख दिए हैं, मतलब धुल दिए हैं। और अभी हम लोग लहसुन क्या कर रहे हैं, लहसुन की सफाई कर रही है यहाँ पे मम्मी जी, और हम भी यहाँ पे बैठ गए हैं। देखो हमारा लहसुन। ये बीज के लिए, ये बीज के लिए। ये लहसुन बीज का, ए कमोट के बीज। लहसुन पूरा साफ करके कूड़ा हमने डाल दिया है इसमें। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मेरे साथ है हमेशा की तरह आद्या। तो आद्या ओहो सॉरी आराध्या, आदू ठीक है। तो आदू और मैं भी किचन में है और शाम की सब्जी के लिए प्याज टमाटर और ये कट कर दिया है। बाकी आज बन रहे हैं चने, तो चने भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अभी आदू और मैं फ्री हैं क्योंकि आदू ने भी अपना होमवर्क कर दिया है ना। हाँ। तो आदू ने भी अपना होमवर्क कर दिया, तो अभी आदू और मैं खेल रहे हैं अभी छिपन छिपाई। अभी तक हम लोग मतलब खेलने की सोच रहे थे, तो आज आदू के साथ खेलते हैं मस्त। ठीक है चलो मैं छिपती हूँ, आप मुझे ढूंढना। ठीक है चलो जाओ बाहर, अब मैं छिपती हूँ। हर जगह तो मुझे ढूंढ ही लेगी पक्का। तो अंदर तो मुझे कोई जगह नहीं मिली, मैं जा रही हूँ बाहर बाहर छिपने के लिए। तो ये है और इसके अंदर मैं छिपती हूँ। तो मैं ना यहाँ पे छिपी हूँ, देखते हैं आदू ढूंढती है नहीं ढूंढती है। इस लड़की ने मुझे यहाँ ढूंढ लिया। पहले कितने मैं छिपी थी इसके पीछे, लेकिन इस लड़की ने ढूंढ लिया। अब मैं ढूंढूंगी आपको। ठीक है चलो आप छिपो। मैं कहाँ जाऊँ, बाहर या अंदर? नीचे जाऊँ मैं भी? अच्छा मुझे भी नीचे भेज रहे हो, ठीक है छुपो। मैं तो आपकी खोलने की आवाज नहीं दे रही थी। अच्छा तभी आप ढूंढ पाए मुझे। अब देखना इसके बाद ऐसी जगह छुपूंगी ना आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। चलो मैं आ रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ छुपी है ये लड़की? आदू कहाँ गए आप? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ हो? नहीं यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। गई कहाँ है लड़की? अभी तक नहीं मिली। कहाँ छुप गई? बाहर ढूंढती हूँ कहीं मेरी वाली जगह में तो नहीं छुप गई लड़की।
अच्छा यहाँ छिपे हो, आवाज नहीं आई होगी ना आपको? नहीं आवाज नहीं आई, पतले से घुस गया। आप तो बड़े तेज हो। मेरे को पता था। क्या बोला? अब मैं ऐसी जगह छुपूंगी जहाँ मैंने आपने सोच भी नहीं रखा। कहाँ? यहीं ऊपर ना। हाँ। चलो मैंने सब जगह देख लिया। चलो आपको भी अंदर छिपना है शायद। हाँ। तो मैं बाहर जाती हूँ। आदू छुप चुकी है, तो आदू छुप गई है, अब ढूंढने चलते हैं आदू को। कहाँ छिपी है लड़की? लेकिन मिल जाएगी लड़की मुझे जल्दी ही। देखते हैं कहाँ छिपी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ छिपी है ये पक्का। देखा देखना देखा, ढूंढ लिया ना। दोबारा से ढूंढ लिया मैंने। अब मेरी बारी है छिपने की, ठीक है? चलो तो मैं ना यहाँ इस खिड़की के अंदर छिप के यहाँ पे पर्दा लगा दूंगी। देखती हूँ ढूंढ पाती है नहीं ढूंढ पाती है। पहले मैं यहाँ पे जाती हूँ। तो यस मैं यहाँ पे छिप गई हूँ। आ जाओ। ये लड़की ने ढूंढ लिया मुझे यहाँ भी। कैसे कुछ दिख रहा होगा ना दुपट्टा वगैरह मेरा ना। तो फिर कैसे ऐसे कर रहा था? अरे यार यहाँ से मेरा पैर दिख रहा था ना, इसलिए मैंने ऐसे दबा रखा था। यार इतनी मेहनत से मैं यहाँ घुसी थी इस खिड़की में। आदू ने यहाँ भी ढूंढ दिया मुझे। आप तो हर बार ढूंढ रहे हो। चलो फिर अब खाना बनाते हैं। बहुत खेल लिया, ठीक है? कल खेलेंगे अब, ठीक है? कब खाना बनाते हैं? तो अभी सब्जी बनाने में थोड़ा जल्दी है, मतलब अभी 5:30 ही हुआ है, तो इसलिए पहले हम लोग जा रहे हैं आदू और मैं जा रहे हैं ब्रूनो को घुमाने के लिए। चलो सिर्फ आप और मैं, ठीक है? चलो मैंने इसको बिल्कुल समझना नहीं किसी। कहाँ है वो? ब्रूनो को घुमाने हम फिर से आ गए हैं इधर। बाय ब्रूनो। इतना प्यारा है ना ये, इतना प्यारा है ना ये, इतना प्यारा है ना। ले अब इसको बाहर में दौड़ाएंगे। क्या? बाहर में दौड़ाएंगे। दौड़ाएंगे चलो। दौड़ जो नहीं रहा यार। ब्रूनो आजा, अब हम जा रहे हैं घर को, बहुत घुमा लिया। आजा 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हम लोग आ चुके हैं डॉगी को घुमा के। ये नहीं आया आज, आज सिर्फ मैं और आदू गए थे। ये बिजी थे अपने काम में। कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। थक गया। क्या? और मम्मी जी गई थी उस वाले खेत में गुड़ाई करने के लिए। यहाँ पे वो रखी है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी है ना? यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ की गुड़ाई करी और इसके बगल में हुआ था लहसुन, तो लहसुन की भी गुड़ाई करी थी और लहसुन लेके भी आए हैं ना। और वहाँ है मम्मी जी और बड़े भैया, दिख नहीं रहे हूँ पेड़ में चढ़े के।